हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। तो देखते ही देखते हम लोग आ गए हैं हमारा प्रोजेक्ट आईजीआई सीरीज़ के एकदम लास्ट एपिसोड में। सो आज मैं खेलने वाला हूँ एकदम लास्ट वाला जो मिशन है, फाइंडिंग द बॉम्ब। इस मिशन में हमको एक को मारना पड़ेगा और एक जो न्यूक्लियर वॉरिट है उसको डिफ्यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मिशन सबसे हार्ड है, एकदम ही ईजी नहीं है ये मिशन। बट मैं जिस तरीके से खेलूँगा, आप अगर उस तरीके से खेलोगे तो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। एकदम इजीली तो नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे और एक बंदा है इस साइड में, इसको भी मारना पड़ेगा। ये मैंने इसको मार दिया है, अभी चलते हैं लिफ्ट से ऊपर। यहाँ पर एकदम कोने कोने में एनिमी छुपा हुआ है, एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। नजर हटी और दुर्घटना घटी। चलो ये दोनों तो ख़त्म हो गया है, अभी हमको ग्रेनेड फेंकना पड़ेगा। तो इसके दीवार के दूसरे साइड में बहुत सारा है, चार है शायद। चलिए देखते हैं जिंदा है कि नहीं। अब हम फिर से लिफ्ट से नीचे जाएंगे। नीचे एक टैंक है, उस टैंक को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा पहले। गाइस, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी यहाँ पे आएगा, बहुत सारा आएगा। अभी राइट साइड में भी एक है, इसको भी मारना पड़ेगा। अब एक भागता हुआ चला जाएगा, वो देखिए चला गया। टैंक है, उसको लॉयटी से हम उड़ा देंगे। ये हमने टैंक को उड़ा दिया है, अब थोड़ा स्नाइपिंग। ये गया और एक है, इसको भी स्नाइपर से ही मारूंगा। अभी इधर से हमको जैक हैमर मिलेगा। ये कैमरा है, कैमरा को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये हमको मिल गया है जैक हैमर, बहुत काम आएगा इस मिशन में। जैक हैमर है ना, बहुत काम आएगा। चल बेटा, कमरे में दोनों तरफ दो है और कैमरा है, तो ग्रेनेड फेंक देता हूँ। चलो एक साथ सब खत्म, कैमरा भी खत्म, एनिमी भी खत्म। चलते हैं आगे,
अभी आगे हमको क्या करना पड़ेगा कि वो जो मशीन गन्स है, ऑटोमेटिक मशीन गन्स, उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा और उनका प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा छेड़छाड़ करना पड़ेगा ताकि वो अपना ही बंदे को मार दे, मतलब एनिमी को मार दे। बट थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, इधर पे बहुत सारा बंदा है एक साथ। सीधा नीचे जाएंगे, वो देखिए अभी इस रूम में दो है, इसको मार देंगे जैकहैमर से। चल बस अब हम इस कंप्यूटर से वो मशीन गन को एक्टिवेट कर देंगे। ये एक्टिवेट हो गया, अभी होगा क्या कि ये मशीन गन अपना ही आदमी को मार देगा। वो देखिए मार रहा है, हम लोग निकल जाते हैं जल्दी जल्दी यहाँ से। जैक हैमर के सामने कोई टिक नहीं सकता, कमाल का बंदूक है। चल भाई कोई नहीं है इधर पे, चलो चलो अभी सामने है कैमरा। अरे गोली लग गया, वो देखिए एक भाग गया है एलिवेटर से। अभी एलिवेटर जब तक आएगा तब तक इधर पे कुछ बंदा आएगा, मरना पड़ेगा हमको। चार आएगा, ये पहले दो गया, अभी और दो आएगा। इनको तो ये AK-47 से ही मार दूंगा। अगर आपको पता नहीं होगा ना कि कहाँ पर कितना बंदा आएगा, किधर किधर पे छुपा है, तो ये मिशन बहुत ही टफ हो जाएगा आपके लिए। इधर पे है कैमरा, इधर पे थोड़ा सा साइलेंटली खेलना पड़ेगा, नहीं तो एनिमी का जो कैंप है उसमें तो बहुत सारा बंदा एक साथ आ जाएगा। दाहिने तरफ से एक आएगा, सामने और एक है, इसको मारना पड़ेगा, वो आ रहा है। चलो ये भी खत्म, इधर पे हमको ग्रेनेड लॉन्चर यूज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड पे दो है। बस काम तमाम हो गया, सामने भी है। अभी एक आएगा भागता हुआ, ये आ गया और एक है। चलो ख़त्म। अब आपको एक सीक्रेट जगह दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं, मेडिकिट है,
एमओ है, बम वगैरह है, प्रॉक्सिमिटी माइन, ग्रेनेड, बहुत सारा चीज़ है। अभी आएगा इस मिशन का हार्डेस्ट पार्ट। सो यहाँ पे मैं स्टेल्थ खेलता हूँ। आप चाहो तो आप एकदम एक्शन के साथ भी खेल सकते हो। यहाँ पे यह साइलेंट वेपन का मैं इस्तेमाल करूँगा। ये जगह हार्डेस्ट है इस मिशन में। अभी एक बंदा बाहर है, वो पेट्रोलिंग कर रहा है, वो एक चक्कर लगा के मेरे सामने से जाएगा, तब मैं ये गेट खोलूँगा, एकदम उसके पीछे से उसको मार दूँगा ताकि वो लोग अलर्ट ना हो जाए। और नीचे भी तीन बंदा तो होगा, अगर वो अलर्ट हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन लोग उनको मारना बहुत ही मुश्किल है, स्नाइपर से मारना पड़ेगा उन लोगों को, ठीक तरह से दिखाई नहीं देता है ना, इसलिए। सो स्टिल इस जगह पे बेस्ट स्टिल थे। ये गया और तीन है नीचे, वो एक आ रहा है, इसको ड्रैगनों से ही मारूंगा। मैक्सिमम हेल्थ लॉस इसी जगह पे होता है। अगर आपको ट्रिक्स नहीं आता है तो ये जगह आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो जा रहा है, इसको मारूंगा अभी, इसको ये गया और दो है, और दो बंदा है, किधर गया भाई? अगर वो लोग पहले मुझे देख लिया तो मेरा तो शामत आ जाएगा, जैसे गोली मारेगा पता भी नहीं चलेगा। वो एक आ रहा है, ये भी गया और एक है, ये लास्ट वाला। ये जगह सबसे ठीक है, ये जा रहा है, नहीं नहीं रहता है। अरे मिस हो गया, उसे ट्राई करता हूँ, देखा ना आपको बहुत ही मुश्किल। ये गया, चलो अभी हम कर लेते हैं हेल्थ फुल, क्योंकि मिशन एकदम लास्ट में आ गया है, एकदम एंड वाला हिस्सा ही है मिशन का। यहाँ पे हमको बहुत जल्दी जल्दी खेलना पड़ेगा, एकदम फास्ट खेलना पड़ेगा, नहीं तो एनिमी आके आपको मार देगा। तो आगे कूलेंट सिस्टम है जो इनएक्टिव है, तो अगर आप उसको एक्टिवेट करोगे तो एक साथ बहुत सारा आ जाएगा, तो मैं इसको एक्टिवेट नहीं करूँगा। लेकिन अगर एक्टिवेट नहीं करोगे तो आपको एकदम फास्ट इस मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो मिशन फेल्ड हो जाएगा, क्योंकि कूलेंट लेवल बहुत ही कम है। सो हीट के गर्मी के वजह से बॉम्ब डिफ्यूज नहीं होगा और मिशन फेल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर एकदम फास्ट फॉरवर्ड खेलूँगा मैं, तो कूलेंट को एक्टिवेट भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, सीधा एकदम एक के पास चला जाऊंगा और एक को मार दूंगा और बाकी का जो मिशन है वो कंप्लीट करूंगा। सो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूंगा, एकदम इस दरवाजे से अंदर चला जाऊंगा एक के पास। अभी यहाँ पे एकदम टाइम नहीं लॉस करना है, इसीलिए हेल्थ हमने पहले ही फुल कर लिया है। अब इस दरवाजे से बाहर जाऊंगा, एक आ जाएगा, ये आ गया है, एक कोई सुपर से ही मार देंगे जैकहैमर से। चलो एक का तो काम तमाम हो गया। हमारा जो आनिया है, वो आनिया के वो बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने लगेगा, हमको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा एनिमी एक साथ जा जाएगा इधर से। एक आ गया, अरे चलो इसका तो काम तमाम। दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। तो हमें अनिया को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बंदा उनको मार देगा। अनिया को हो जाएगा। हमारा फ्रेंडली सोल्जर भी आ चुका है, शायद पीछे खड़ा है वो, लेकिन मैं ही काफी हूँ। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे IGI 2। हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है। बाय बाय।